आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिंह चौहान। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं OnePlus 9 RT का अनबॉक्सिंग। अच्छा ये जी हाँ, ये वही है जो चाइना में रिलीज़ हुआ है, भारत में भी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो फिलहाल मैं चाइना वाला बता रहा हूँ ताकि भारत में अगर ये आता है तो किस तरह का हो सकता है, तो हम उस एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि भारत में आएगा तो क्या चीज़ आ सकती है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, इसकी ओवरव्यू देखेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन देखेंगे, और इसकी जो प्राइस क्या हो सकती है भारत में, वो सारी चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, चलिए शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बॉक्स में हमें एक मिलती है केबल, 65 वाट का चार्जर, एक बैक कवर, और साथ में कुछ यूजर मैनुअल वगैरह, पेपर वर्क, और हमें मिलता है हमारा OnePlus 9 RT। तो चलिए अब देखते हैं हम इसका ओवरव्यू। 8.3 mm की थिकनेस है, 198 ग्राम का इसका वेट है। इसका जो बैक है वो ग्लास बैक मिलेगा, जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और इसमें ड्यूअल LED फ्लैश लाइट भी दे रखी है। मेटल फ्रेम आपको मिल जाएगी, और इसमें बैक में एक थर्ड माइक भी है, और कुल ओवरऑल मिलाकर ये हमें थोड़ा प्रीमियम इसका फील होता है हाथ में। बॉटम जो है उसमें आपको सिम ट्रे मिल जाएगी, जिसमें ड्यूअल नैनो है, नीचे एक माइक दे रखा है, प्राइमरी माइक, टाइप सी का पोर्ट है, और स्पीकर ग्रिल का एक स्पीकर दे रखा है। लेफ्ट में आपको वॉल्यूम अप डाउन की मिल जाएगी, राइट में अलर्ट स्लाइडर जो उसका म्यूट साइलेंट और वगैरह होता है, और साथ में पावर बटन मिल जाएगा ऑन ऑफ के लिए। टॉप में आपको सेकेंडरी माइक मिल जाएगा, फ्रंट में आपको बहुत ही छोटा वाला पंच होल डिस्प्ले मिल जाएगा, और काफ़ी इसकी जो चीन है और बेजल्स काफ़ी नेरो है, तो काफ़ी ये दिखने में अच्छा लगता है, इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा बड़ा दिखता है। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन। तो चलिए इसके डिस्प्ले के बारे में बता दिया जाए, 6.62 फुल HD प्लस, E4 अमोलेड वाली इसकी जो स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 600 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, गोरिल्ला ग्लास दे रखा है, और 1300 की पीक ब्राइटनेस इसमें दे रखी है। प्रोसेसर अगर देखें तो इसमें क्वालकॉम का 888 हमें मिल जाता है, और जो कि 5 nm का ऑक्टोकोर है, 2.84 GHz की इसकी क्लॉक स्पीड है, और एड्रेनो का 660 का प्रोसेसर है, ये कुल मिलाकर 5G प्रोसेसर है, तो ये 5G फ़ोन है। कैमरा अगर हम देखें तो इसमें ट्रिपल कैमरा जो सेटअप मिलता है रियर में, जो 50 मेगापिक्सल वाला है, तो 50 मेगापिक्सल का जो है वो प्राइमरी कैमरा सोनी IMX766 के साथ, जिसमें OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाएगा। फ्रंट में अगर आप देखें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आप इसमें पा सकते हैं, और जिसमें लगा होगा IMX471 का सेंसर, और इसमें आपको EIS का सपोर्ट मिल जाएगा। बैटरी और अगर चार्जर देखें तो इसमें 4500 मिली एम्पावर की बैटरी दे रखी है, और 65 वॉट का फास्ट चार्जर दे रखा, तो बैटरी थोड़ी सी ठीक ठाक ही है। सिम के बारे में जैसे कि मैंने बताया, इसमें ड्यूअल नैनो लग जाएगी, और इसमें जो इसकी रैम है वो LPDDR5 की है, और जो इसकी रोम है, जो स्टोरेज है, वो UFS 3.1 वाली मिल जाएगी। OS और UI देखें तो हम इसमें कलर OS 12 मिलेगा, जो कि कलर OS और OnePlus में, जी हाँ ये चाइना वाला है, तो इसमें कलर OS 12 मिल रहा है, जो कि बेस्ड है Android 12 पर। और दूसरी चीज़ अगर इसमें देखें तो ब्लूटूथ हमें 5.2 मिल जाएगा लेटेस्ट, Wi-Fi 6, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, ड्यूअल कैसे, एक नीचे मिल जाएगा और एक ऊपर जो ईयरपीस वाला, वो भी स्पीकर ही है, और इसमें आपको कोई भी 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये तो था चाइना का, अब चाइना से भारत में आते आते कैसा इसका रूप हो जाएगा, कैसे बदल जाएगा, ये वहाँ पर करीब 38 से 40 के अंदर मिला है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर भारत में आता है तो ये मेरे ख्याल से यही 40 से 45 तक हमें मिल जाना चाहिए। तो ये OnePlus 9 RT भारत में आता है या नहीं, ये देखने वाली बात है, इसकी प्राइस होगी नहीं देखने वाली बात है, लेकिन जब भी आएगा इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको पसंद क्यों नहीं आया, और आप क्या चाहते हैं इस चैनल से, आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए, मैं कोशिश करूँगा कि आप जैसा चाहते हैं वैसा वीडियो मैं बना पाऊँ। तो दोस्तों आप मेरे अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।